दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत के बाद अब टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन इसी क्रम में बीसीसीआई ने आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए भारत की नई 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए भारतीय टीम में अब केएल राहुल, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी हो चुकी है। तो वहीं लगातार दोनों ही टेस्ट महामुकाबलों में फ्लॉप साबित होने वाले श्रेयस अय्यर, रजत पाटीदार जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि तीसरा टेस्ट महामुकाबला कब से शुरू होने जा रहा है और भारत के किन 15 खिलाड़ियों के लिए बचे हुए मैचों के लिए मौका मिला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जिस तरह से भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई है, इसलिए अब रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट महामुकाबला शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम में बड़े बदलाव कर दिए हैं, जहाँ पर टीम इंडिया में अब विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हो चुकी है, जिससे टीम को और भी मजबूती प्रदान होने वाली है। तो वहीं इंग्लैंड की टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी आखिरी तीन टेस्ट महामुकाबलों के लिए अपनी टीम में भी तीन बड़े बदलाव कर दिए, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच अब टेस्ट सीरीज का और भी रोमांचक बढ़ चुका है, जहां पर तीसरा टेस्ट महामुकाबला 15 फरवरी से खेला जाएगा, तो वहीं चौथा टेस्ट महामुकाबला 23 फरवरी से और आखिरी और निर्णायक महामुकाबला 7 मार्च से खेला जाने वाला है, जिसके लिए ही रोहित शर्मा ने अपनी टीम में कई सारे धांसू खिलाड़ियों की एंट्री कराई, क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल लगातार इस टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि टीम के कप्तान रोहित शर्मा अभी तक कोई भी खास प्रदर्शन नहीं कर सके, तो वहीं बॉलिंग में भी भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन टीम के लिए तीसरे टेस्ट मैच से एक बुरी भी खबर है कि तीसरे टेस्ट महामुकाबले में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह खेलती हुई दिखाई नहीं दे सकते हैं, वह आखिरी दो टेस्ट मैचों में जरूरी खेलेंगे। तो वहीं इन 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड को आखिरी तीन टेस्ट मैचों के लिए शामिल किया गया है, जहां पर पहले और दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के लिए एक बार फिर से चुन लिया गया है, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी लगातार टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं तीन और चार नंबर के लिए टीम में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए एक बार फिर से मौका मिल चुका है, क्योंकि गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में धमाकेदार प्रदर्शन किया। हालांकि श्रेयस अय्यर अभी तक पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। तो वहीं पांचवें और छठे खिलाड़ी ग्रुप में अब भारतीय टीम में विराट कोहली और केएल राहुल की दोबारा से वापसी होने जा रही, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम की हमेशा ही पहले दो टेस्ट मैचों में कमी खलती हुई नजर आ रही है, इसलिए देखना होगा कि अब दोनों खिलाड़ी किस प्रकार की प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं सात और आठ नंबर के लिए एक बार फिर से दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जरेल और केएस भरत के लिए चुना गया। हालांकि केएस भरत को पहले दो टेस्ट मैचों में मौका मिला, लेकिन उन्होंने उसमें कोई भी खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे, तो इसीलिए अब ध्रुव जरेल भारतीय टीम में डेब्यू करने वाले हैं। तो वहीं 9 और 10 के लिए टीम इंडिया में दो ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन के लिए एक बार फिर से शामिल कर लिया गया है, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं, इन्होंने अभी तक अच्छा ही प्रदर्शन किया है। तो वही 11वें खिलाड़ी के रूम में टीम में कुलदीप यादव एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ने दूसरे टेस्ट महामुकाबले में काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की थी। तो वह भाई 12वें खिलाड़ी के रूम में वॉशिंगटन सुंदर के लिए शामिल कर लिया गया। अगर रविंद्र जडेजा फिट हो जाते हैं तो वह भारतीय टीम में खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो वहीं 13, 14 और 15वें नंबर के लिए टीम इंडिया में तीन तेज गेंदबाजों के लिए शामिल किया गया है, जहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मुकेश कुमार के लिए एक बार फिर से इस सीरीज में मौका मिल चुका है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लगातार इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज ने अभी तक एक एक टेस्ट महामुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने मिला जुला ही प्रदर्शन किया है। तो वहीं भारतीय टीम के यह 15 खिलाड़ी आखिरी तीन टेस्ट महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं।